नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था आपका हमें संसद आखिर क्यों चाहिए। इसमें बात करेंगे हम लोग अध्याय 4 में कानूनों की समझ। याद रखिए इसे एक कहानी के तरह फिर सुनिए चाहे पढ़िए, लेकिन अगर आप हड़बड़ा के पढ़ेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे एक बार अच्छी तरह से कहानी की तरह सुन लीजिए। जो आपको जरूरी इसमें पॉइंट मिलेंगे उन्हीं को आपको याद रखना है और निकल जाना है। आप कुछ कानून से परिचित होंगे, शायद आपको शादी की उम्र सीमा का या फिर मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है कि आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। किसका? संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून लोकप्रिय है या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते में ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए? याद रखिए आपका संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। जब राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक लाया जाता है तो कोई भी कानून विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक। और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर लागू होते हैं ये अधिनियम में बदल जाता है और ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जब तक राज्यसभा लोकसभा में पास होता है तब तक ये विधेयक ही कहलाता है। जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती है तब तक ये विधेयक ही बना रहता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आप लोग को लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है ऊपर जो दिया गया। जैसा कि आप इकाई एक में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा जो कानून है वो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब होता है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या फिर धन्ना सेठ हो या फिर यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, आपने पढ़ा होगा। अक्सर एक जैसे मामलों में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय कानून को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आ जाते। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे कि निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, हर कोई भी काम हो उसके दो पहलू होते हैं, सही भी होते हैं उससे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो उसके दोनों पक्षों को आप लोग देख लिया करिए।
अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ मिला है, भी है, गया भी है तो मिला भी है बहुत कुछ। तो एक नजर से मत देखा करिए, जब हम एक तरफ से पूरी तरह से देखने लगते हैं किसी चीज को तो हम अंधभक्त बन जाते हैं, या तो हमें उसमें बुराई बुराई दिखती है या फिर अच्छाई अच्छाई दिखती है। ठीक, तो न्यूट्रल होकर मतलब बीच में रहकर हर तथ्य के बारे में सोचा करिए। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा कि इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मन मानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मन मानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ कुछ दिया गया देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था, सुना होगा। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमे चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया। पंजाब में इस कानून पर भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सिफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर, कौन था ये जनरल डायर था, ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में भारी सारी औरतें, बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंघार के समय भी गोलीबारी का दृश्य दिखलाया गया। देखिए इस तरह से भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी थी। वो वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्थाओं के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगी। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह के से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारी प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी कहते हैं। कक्षा 6वीं में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, एक नया कानून जरूरी है। वे कानून प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। बात करते हैं नए कानून किस तरह बनते हैं, देखते हैं कि किस तरह आपके नए कानून बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं।
यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखते हैं कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष आमतौर पर पति घर की किसी औरत आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। देखिए कुछ न्यूज की कटरन। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना, महिलाओं के लिए क्यों ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छा है। देखे ना कुसुम, इस कानून को पढ़ने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो यह हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं, उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। मुझे सलाह चाहिए, कोई इनसे बोल रहा है, ठीक है, महिलाएं, कोई आया है इनके पास कि इन्हें इनका पति पीटता है और अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई इन्होंने, क्योंकि इन्हें बड़ी शर्म आती पर अब बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन इनके पास कोई चारा भी नहीं है। इनका बेटा और बहू इनसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, ये माँ जी हैं, बहुत भला भला बोलते हैं, इन्हें अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, वे चाहें तो इन्हें घर से भी निकाल सकते हैं। ये पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं, ये तो बस यही चाहती हैं कि मारपीट बंद हो जाए, ये बस यह चाहती हैं कि इन्हें घर से ना निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूद कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। इन्होंने हम कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, जन सुनवाई है, इन्होंने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों कानूनों के विद्यार्थियों और समाज विज्ञानकों के संगठन लोयस कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक आर्थिक यौन मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून की तरह तहत रखा जाना चाहिए, उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है, सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो इन्होंने सुनाई थी, इन्हें विधेयक के स्वरूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दें। संसदीय स्थायी समिति की माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, हम घरेलू हिंसा की प्रभावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून की बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी, इन सिफारिश को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया, दोनों संसदों ने मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया। यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाएं हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा का एक व्यापक परिभाषा पेश की।
यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माओं, बेटियों, बहनों को अपने घर से, घर में हिंसा से निजात मिलेगी। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने वाले की महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। सब सफर नजर रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिसों, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना चाहिए। जिन औरतों के साथ हिंसा दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना जाना बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा है। तो समझ में आया कि जब समाज में किस लिए चुना जाता है अपना नेता, जो भी आप संसद एमएलए चुनते हो, एमपी चुनते हो, इसलिए क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ नियम कानून बने, लागू हो, समाज को बेहतर सुविधाएं मिल सके। समझ में आया? अब आपने घरेलू हिंसा का देखा है, किस तरह महिलाओं ने आवाज उठाई, फिर उनकी आवाज बढ़ती गई, फिर जाके कानून बना 2005 के करीब। ठीक, इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। यह आवाज टेलीफोन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों, आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। बात करते हैं आलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद आलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून नन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी। इसलिए लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले, फेरी वाले, किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है बेस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण भी ले सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। हमें इस बात को का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं और हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सभी काम कर नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी।
जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानून का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7वीं की में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे रेत तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का एक यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपयुक्त में रोजा पार्क्स बस में यात्री यात्रा करती हुई दिखाई गई है यहाँ पर। चलिए इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस दिए गए नीचे, उन्हें देख लेगा और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर डली हुई है वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अपने पास भी रख लेना। अगर चाहो तो एक बार उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। कुछ शब्द संकलन है। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या फिर पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा की से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित किया गया। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ विरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार विद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार से पहले भी गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी कि उन्हें आखिर क्यों गिरफ्तार किया जाए। उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानून को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक सकते हैं। तो ये आपका अध्याय 4 था। अध्याय 5 में हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, इकाई 3 अध्याय 5 न्यायपालिका।